लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा होता है कि कुछ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं या हमें चीप दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उन पे रिएक्ट करते हैं, उनसे लड़ने लग जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और इन दी एंड हम अपना ही मूड खराब कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो हमारा मूड खराब होता है ना, ये उस इंसान की वजह से नहीं होता है, ये एक्चुअली हमारी खुद की वजह से होता है, क्योंकि हम इन लोगों की बातों पे रिएक्ट करते हैं, और वो भी इन लोगों की क्वालिफिकेशंस को न जानते हुए। अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जिसको दूसरों की बातों का बहुत जल्द बुरा लग जाता है, तो आप एक चीज़ हर वक्त याद रखिए, कोई भी इंसान जिसने अपनी खुद की लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है या वो अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जीता है, वो आपकी कभी भी इंसल्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। मतलब आप एक बार सोच के देखिए, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, अंबानी, ये सारे लोग आपको कुछ ऐसे बुला रहे हैं, ए गया गुजरा इंसान, बुद्धू कहीं का। आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या? नहीं ना, क्योंकि ये लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बदबू सिर्फ सड़े हुए जिंदगी से आती है, खिले हुए जिंदगी से नहीं। इवन मैं आपको अपनी खुद की एग्जांपल दूं तो आज से करीबन 1.5-2 साल पहले मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाता था, तब मैं बहुत सारी वीडियोस पे डिसलाइक मारता था। मुझे कोई भी वीडियो थोड़ी भी पसंद नहीं आती थी, मैं उसको डिसलाइक कर देता था, और कभी कभी तो मैं उन वीडियोस पे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी कर देता था। उस वक्त मेरी वो स्टैंडर्ड थी। लेकिन आज जब मैं खुद एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं एक भी वीडियो पे डिसलाइक नहीं करता। आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, पर जिस दिन से मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने एक भी वीडियो पे डिसलाइक नहीं किया है, क्योंकि आज मुझे पता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मुझे किसी की वीडियो पसंद नहीं आती तो मैं उसे आगे नहीं देखता, पर मैं उसे डिसलाइक कभी नहीं करता, और कमेंट बॉक्स में कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं छोड़ता। मैं वहाँ सजेशंस छोड़ता हूँ कि भाई अपनी ऑडियो सुधारो, अपनी लाइटिंग पे काम करो, कुछ ऐसे। और ये चेंज बस यूट्यूब तक ही नहीं है, ये चेंज मैंने अपनी पूरी लाइफ में हर जगह पे महसूस की है। पहले अगर कोई किसी डांस को सीखने की कोशिश कर रहा होता था और उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी, तो मैं उस पर डायरेक्ट हंस देता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा स्माइल करता हूँ और बोलता हूँ, लगे रहे भाई, ज़रूर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं एक खिला हुआ फूल हूँ। मैं अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जीता हूँ, कुछ अचीव करता हूँ और एंजॉय करता हूँ। और जब कोई और मेरी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, मेरी और हेट सिग्नल्स भेजता है, तो गेस व्हाट, मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ भी नहीं करता। मतलब मैं उन हेट सिग्नल्स पे रिएक्ट नहीं करता। खुद के माइंड को बोलता हूँ, देख भाई, सड़ा हुआ फूल है, उसके पास जाएगा, उसके मुंह लगेगा तो खुद भी सड़ा हुआ बन जाएगा, तो इससे अच्छा है अवॉइड इट। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में जितने भी लोग कमेंट करेंगे, उसमें से 99% लोग नेगेटिव होंगे और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया होगा। और कभी कभार 1% लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी भी सेक्टर में थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया होगा, या वो किसी भी चीज में आपसे थोड़े बहुत बेहतर होंगे, और इवन ये भी आप पे नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो आपको इनके कमेंट्स पे भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस इंसान के ऊपर उसकी ईगो हावी हो चुकी है और इसकी थोड़ी बहुत जो सक्सेस है वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, और वो भी अलग अलग तरीके से, और हर स्टेप में हमें कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो हम पे नेगेटिव कमेंट्स डालेंगे, और अगर हम इन लोगों पे रिएक्ट करने लग जाए ना, तो सच मानो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन इनके कमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। सो दोस्तों, जब भी आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज घुसने की कोशिश कर रहे हों, तो अपने माइंड को बोलो, चिल ब्रो, चलता है, और उन पे रिएक्ट मत करो। और अगर इसके बाद भी आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो आप बस एक बार उस इंसान की लाइफ की अकॉम्प्लिशमेंट्स को रिवाइज करवा दो, आपका माइंड शांत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे आइडियाज और चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।